नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज हमारे साथ हैं उमाकांत जी। उमाकांत जी, आपकी एज कितनी है? 36। आपका इलाज यहाँ से कब, कौन से महीने में शुरू हुआ था? अभी 3 महीने हो गए सर। तीसरा महीना है, अप्रैल में शुरू हुआ था आपका। अप्रैल में आपके क्या लेवल्स थे जब आप पहली बार यहाँ आए थे? फरवरी में 3 महीने हुए हैं। फरवरी में कितने क्या लेवल थे आपके? 9 से ऊपर था सर। 9.77 सही कह रहा हूँ? और बीपी कितना रहता था आपका? याद है? ज़्यादा था। कितना रहता था, कुछ आइडिया? बीपी था 130 से अबव था शायद। तो उमा गांधी जी का जो बीपी था वो रहता था 140-90। बीपी हाई रहने की वजह से, लंबे टाइम से हाई रहने की वजह से इनकी किडनी ने काम कम करना शुरू कर दिया था। और फरवरी में जब आए थे तो इनके लेवल 10 के आसपास थे, जहाँ पर पेशेंट को डायलिसिस बोल दिया जाता है। तो आपको डायलिसिस बोला गया था? जी सर, बिल्कुल डायलिसिस बोल दिया गया था। तो आप कितने टाइम से इलाज करवा रहे थे किडनी का यहाँ आने से पहले? नहीं, आपके पास ही आया था फर्स्ट टाइम। आप सीधा मेरे पास ही आए, उससे पहले कहीं दिखाया ही नहीं? उससे पहले कहीं। बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी कितने लेवल है बताओ जरा दर्शकों को, आप कितने लेवल है आज इस महीने के? आज के टाइम पे है 4.56 लेवल है सिर्फ 3 महीने के इलाज के अंदर, जहाँ 10 और कहाँ पर वो तकरीबन 5 का लेवल। तो हमने बहुत अच्छी रिकवरी की है लास्ट 3-4 महीने के अंदर, जिसमें आप कोई दिक्कत महसूस करते हो? नहीं, अभी तो कोई दिक्कत है। जैसे पहले आपको दिक्कत थोड़ी सी हो रही थी, वीकनेस थी बॉडी में, ब्लीडिंग भी हुई थी आपको? नहीं, यूरिन में। अब ऐसा कुछ है? अब तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई और दिक्कत महसूस कर रहे हो बॉडी के अंदर? जी नहीं, अब कुछ हो गई, सूजन हो गई? नहीं। ठीक है। जब हमारी बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है तो ब्लड किडनी के अंदर स्पीड से एंटर करता है। किडनी के अंदर जो काम करने वाली चीज़ें होती हैं उनको हम कहते हैं नेफ्रोन। अब इन नेफ्रोन को भी खून देने वाली सप्लाई होती है, गंदा खून आता है वो साफ़ होता है और वो यूरिन बनता है और साफ खून होकर थोड़ा सा निकलता है। अब ये जो खून ले जाने वाली जो नलियाँ होती हैं ना, वो बाल, हमारे जो सिर के बाल से भी एक तिहाई पतली होती है। अगर सामने रख भी दूँ तो आप पहचान नहीं पाओगे कि वहाँ पर कुछ है, इतना बारीक होता है। तो जब बीपी बढ़ता है तो उसके अंदर जो प्रेशर है खून का वो बढ़ जाता है। अब कोई चीज़ नरम है, सॉफ्ट है, डेलिकेट है, प्रेशर बढ़ने की वजह से उसमें बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, वो सख्त होना शुरू हो जाता है। जैसे अगर कोई इंसान सख्त परिस्थिति में रहे तो क्या होगा, सख्त हो जाता है, मतलब दिल जो दिमाग से सख्त होता है। इसकी तरह ही शरीर के अंदर भी बदलाव आते हैं, और जब वो सख्त होता है तो उसके अंदर जो घेरा है जिसमें से खून जाता है वो टाइट हो जाता है। वो टाइट होने की वजह से खून की सप्लाई और कम हो जाती है। अब जब सप्लाई कम हो गई, खून कम हो गया, किडनी को खून नहीं मिलेगा, तो वो इससे तो या तो काम करना बंद कर देगा या फिर वो मर जाएगा। और वही हो रहा था उमाकांत जी के साथ। तो अब आपका बीपी कितना रहता है? 94-67 ये आपका आज का आया, पहले आपका रहता था 140-90। तो बीपी कम करने की वजह से अब जो ब्लड का फ्लो है किडनी में वो पहले से बेटर हो गया, तो हमारी किडनी ने उसको रिवाइवल किया। अब आपने ध्यान क्या रखना है कि आपका बीपी कम ही रहे, बढ़े, ठीक है? ये तो मैं रखता हूँ। बीपी अपना दिन में 2-3 बार चेक करो, दवाई खाने से पहले चेक करो कि बीपी हमेशा कंट्रोल में बना रहे। आपके पास रिपोर्ट है फरवरी वाली, देखो जरा। तो ये 23 फरवरी की रिपोर्ट है, क्रिटिनिन का लेवल है 10.3, ठीक है? आप वाली रिपोर्ट दिखाना। अब वाली तो फोन में है। फोन में दिखा दो, कोई बात नहीं। आपकी बात तो यूरिया वगैरह सब ठीक आया है। आपकी रिपोर्ट में 4.56। बस कुछ पूछना पूछो, आज टाइम है मेरे पास।